हरे कृष्णा, अगर आपसे कोई कहे कि हम आपको 1,20,000 रुपए देते हैं, आप सुअर बन जाइए, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये बोलेंगे ना, पागल है क्या, करोड़ों रुपए दे तब भी ना बनूं मैं सुअर, राइट? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूके में लोग सुअर बनने के लिए 1,20,000 रुपए दे रहे हैं। जी हाँ, मुझको भी ऐसे ही झटका लगा। अभी हाल ही में हम वृंदावन से आ रहे थे, तो हमारे डिवोटीज बैठे हुए थे गाड़ी में, तो उन्होंने बताया कि एक पिग स्पा नाम की जगह खुली है यूके में, वहां पे लोग सुअर बनने के लिए $1,500 €1,200 दे रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1,20,000 रुपए है। ओ माय कृष्णा, ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। और जब मैंने ये देखा, तो ये देखने के बाद मैं चक्कर खा के गिरने से बचाऊं भाई, सीरियसली। मतलब लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो सुअर बनने के लिए? आई मीन रियली? ये वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसे सुअर बनोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। रियली? सच में? अरे भाई, हमारे मंदिर आकर देखो, बिना सुअर बने, इंसान बने बने आपको जो आनंद मिलेगा उसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, और आपको कुछ देना भी नहीं होगा, बल्कि हम आपको देंगे, प्रसाद दे रहे हैं फ्री में, आप डांस करिए, गाइए आकर। लेकिन नहीं, हम तो सुअर बनेंगे। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, 84 लाख स्पीसीज, इसमें यही सब तो बने हम, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीट, पतंग, क्या क्या नहीं बने हम। और उसके बाद जब ये मनुष्य शरीर मिला है फाइनली, जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सुअर बन रहे हैं। रियली? इज इट रियली वर्थ? मतलब क्या कर रहे हैं आप अपने साथ? अभी हाल ही में हमने देखा था पीछे की लोग गाय को कडल करने का, मतलब कि गौशाला में जाते हैं बाहर विदेशों में, वहां पे गाय को कडल करने के वो पैसे दे रहे हैं। चलो वो तो एक बार को फिर भी हमें समझ में आता है कि चलो ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, गौ सेवा में लग रहा है, गाय को कडल ही कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, एक बार को हजम हो गया। वो भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भारत में देखिए कितनी सारी गौशाला है, कितनी गाय जो है आवारा घूम रही है सड़कों पर, आप उन्हें प्रेम करिए जाके, कोई पैसा नहीं देना आपको, लेकिन वहां पर पैसे देकर आप उन्हें प्रेम कर रहे हैं। चलो वो तो एक बार को एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ये हरकतें कर रहे हैं आप? आई मीन सीरियसली, कहां जा रही है दुनिया, क्या होने वाला है? कभी कभी तो ऐसा लगता है सब देख के कि कलयुग जो है वो अंत आ चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है। कलयुग में कितने लाखों वर्ष बाकी हैं, अभी 4,27,000 वर्ष लगभग अभी भी बाकी हैं। तो जब अभी ये हाल है, तो कलयुग के अंत में क्या होने वाला है? कैन यू इमेजिन? मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। और जरूर आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस सुअर बनने की प्रक्रिया में। हरे कृष्ण।